कि जब आप के भाग्य में अगर खराब चीज भी आ गई हो तो एक काम करना चाहिए, घर में अगर अच्छी स्थिति नहीं चल रही हो तो घर की एकता बनाओ। जिनके अंदर भी कोई किसी तरह का भ्रम है, डाउट है, गलत फहमी है, दूर करिए, घर को एक बनाओ। जैसे आप एक हो जाते हैं, मिलकर चलते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तो प्रेम पैदा होता है। प्रेम पैदा होते ही घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। जिस घर में हर दिन कलेश होता है वहां दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है, कर्जे बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, मन की शांति नहीं रहती। हर किसी की नेचर अलग अलग है, किसी का भी स्वभाव एक दूसरे से मिलता नहीं है कभी भी, फिर भी एक दूसरे के साथ मिलके चला जा सकता है। उसका नियम यही है कि थोड़ा थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा मिल जाएं, थोड़ा अपना लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा निभा लें। जैसे ही आप एक हुए बस एक में ही अनेकता वाली शक्ति आ जाती है, अनेक की ताकत आ जाती है। तो एक होना जरूरी है। दूसरा, घर के सभी लोग जब श्रद्धा वाले होते हैं तो दो चीजें जरूर करो। भोजन के समय में इकट्ठे बैठो, भले ही रात का भोजन इकट्ठे मिलके करो, लेकिन भोजन के लिए जिस घर में सब इकट्ठे बैठेंगे वहां कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा। उस घर में एकता बनेगी बनेगी, एक होके चलेंगे जरूर। और खास बात, मन मुटाव को ज्यादा देर तक टिकने मत दो। कोई भी लड़ाई लंबी मत चलने दीजिए। झुकने से अगर घर चलता है तो अकड़ने से मत चलाइए। झुक करके मना लीजिए, हंसकर टाल दीजिए। बड़े हो या छोटे, आपके अंदर बड़प्पन आए, एक दूसरे को माफ करना सीख जाओ, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर के सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक दिशा में, एक योजना के साथ, एक बुद्धि के साथ मिलकर काम करते हैं, ध्यान रखिए कैसी भी उनकी बुरी परिस्थिति हो, स्थितियां ठीक होती हैं।